हेलो रिंद, रेखा भुषवान, वेलकम टू इंफो टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने बहुत ही अमेजिंग कंटेंट के साथ, जिसमें हम कंटिन्यू करने वाले हैं और देखने वाले हैं कौन सा एग्जाम हमारा कब होगा। अपकमिंग जो गवर्नमेंट टीचिंग एग्जाम्स हैं उनकी हमारे सामने एक तरीके से एग्जाम डेट आउट हो चुकी है, और कौन सा एग्जाम कौन से मंथ में होगा तो उसे क्लियर करेंगे, और कौन सा एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है तो उन्हें भी क्लियर करेंगे। बस आप लोगों का लाइक सपोर्ट चाहिए ऐसे ही रेगुलर अपडेशन और कंटेंट के अकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग पूरे तरीके से मुझसे और इन्फो टीचिंग से जुड़ सकते हैं। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बेल आइकन के साथ साथ सब्सक्राइब कर दे ताकि एवरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिल जाए। स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, COVID-19 सिचुएशन चल रही है, यानी कि कोरोना वायरस 19 की जो सिचुएशन चल रही है ऑल ओवर इंडिया में, ऑल स्टेट्स में, तो बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं जो क्या हो चुके हैं, पोस्टपोन हो चुके हैं। सो किस लिए किए गए हैं? सिर्फ आप लोगों की सेफ्टी पर्पस के अकॉर्डिंग ये चीज़ कंटिन्यू की गई है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे सी टेट है, छत्तीसगढ़ टेट है, केरला टेट है, बिहार बी एड, यूपी बी एड, यूपी बी ई यू, इन सब का एग्जाम होना था, बट कहीं ना कहीं इन्हें पोस्टपोन कर दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। इस सिचुएशन में आप लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कम से कम 1 से 1.5 या 2 से 3 महीने में एग्जाम होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो आप लोगों को बस क्या करना है कि अपना पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट देकर इन्फो टीचिंग से, जहां पर आप लोगों के लिए जो आप लोगों का शिक्षण का उद्देश्य है वो कंटिन्यू होगा, आप लोग कहीं ना कहीं कंटिन्यू करेंगे, तो अपकमिंग मंथ्स में हमारे एग्जाम्स होंगे, तो आप लोग बस अपनी रिविजन और प्रिपरेशन कंटिन्यू करते चलिए इन्फो टीचिंग के थ्रू, ठीक है। तो पूरा जो टीचिंग एग्जाम्स है, अपकमिंग टीचिंग एग्जाम्स है, पूरा परफॉर्मा जान लेते हैं कि कौन सा एग्जाम कब होगा और कौन सा एग्जाम पोस्टपोन हुआ है। सबसे पहले तो लाइक इट जरूर कर दीजिए, मुझे आप लोगों के लाइक इट की बहुत जरूरत है। वीडियो देखिए और पहले लाइक इट कर दीजिए। चलिए फर्स्ट एग्जाम के अकॉर्डिंग बढ़ेंगे। पहला एग्जाम जो हमारा पोस्टपोन हुआ है, जो एग्जाम था हमारा 5 जुलाई को, यानी कि 2 दिन पहले था, और सी टेट का था ये एग्जाम, यानी कि पहला सी टेट, क्योंकि 2 बार होता है ईयरली, और एक हमारा नॉर्मली जुलाई में और एक दिसंबर में, तो फर्स्ट जो सी टेट है इसे पोस्टपोन कर दिया गया है। और ये कब होगा? सितंबर में होगा, कहीं पर सितंबर की बात आ रही है, कहीं पर अक्टूबर की बात आ रही है, तो कोई अभी एग्जैक्टली नहीं पता है। आप लोगों के पास अगर टाइम है 2 से 3 महीने या 1 से 2 महीने का, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट करना है, तो वो कंटिन्यू कीजिए अपने रिविजन के अकॉर्डिंग। बिहार 94,000 की प्राइमरी वैकेंसीज हैं, तो इसका एग्जाम होने के चांसेस हैं अगस्त 2020 में। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर संस्कृत एजुकेशन रिक्वायरमेंट का जो एग्जाम है, एक्सपेक्टेड तरीके से बताया है, यानी कि टेंटेटिव है ये, कोई ऐसा पर्टिकुलर बताया नहीं गया है कि सितंबर में ही एग्जाम डेट निकलेगी, ये आपको एक्सपेक्टेड तरीके से बताई जा रही है कि उम्मीद है कि सितंबर में इसकी एग्जाम डेट आ जाए। आरपीएससी की कुछ वैकेंसीज, हमारी 264 वैकेंसीज थी लेक्चरर के अकॉर्डिंग, तो इसकी एग्जाम डेट आ चुकी है, 4 अगस्त से 7 अगस्त तक एग्जाम होंगे। तो पूरा परफॉर्मा मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी, क्योंकि इसके लिए भी कई कैंडिडेट्स ने मुझसे पूछा था, तो ये पूरा आप लोगों को शेयर हो जाएगा। तो बाकी आप लोग याद रखिए कि इतनी वैकेंसीज निकली हैं हमारे राजस्थान के अकॉर्डिंग, और उसकी एग्जाम डेट आ चुकी है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर 9,300 वैकेंसीज थी, जिसमें इसकी एक्सपेक्टेड डेट मानी जा रही है कि दिसंबर में एग्जाम होगा, ठीक है। तो आप लोग इसी के अकॉर्डिंग, जो एक्सपेक्टेड डेट्स हैं इन्हीं के अकॉर्डिंग अपने रिविजन और प्रिपरेशन को बरकरार रखिए। पीपीएससी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग माना जा रहा है कि अगस्त में एग्जाम हो सकता है। पंजाब ईटीटी की जो वैकेंसीज थी उसकी एग्जाम डेट अगस्त के अकॉर्डिंग मानी जा रही है। एसएसए यानी सर्व शिक्षा अभियान पंजाब मास्टर कैडरे की वैकेंसीज के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, ये अगस्त में एग्जाम होने के चांसेस हैं। यूपीपीएससी बीईओ के अकॉर्डिंग जो है वैकेंसीज के अकॉर्डिंग जो एग्जाम डेट आई है वो है 4 दिसंबर एग्जाम। एनसीईआरटी रिक्वायरमेंट जो हमारे सामने टीचिंग वैकेंसीज थी 260 की, उसकी एक्सपेक्टेड डेट मानी जा रही है अगस्त में। केवीएस की एक्सपेक्टेड डेट जो एग्जाम होगा वो दिसंबर में माना जा रहा है, तो इट मींस कहीं ना कहीं सितंबर अक्टूबर में हमारा जो एक तरीके से बोल सकते हैं टेंटेटिव नोटिफिकेशन आ सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी स्टार्ट रखिए अपनी। एचपी टेट, ठीक है, हिमाचल प्रदेश टेट का एग्जाम डेट कंटिन्यू हो चुका है, 26 जुलाई से 9 अगस्त तक एग्जाम होंगे। बिहार सीईटी बीएड एक्सपेक्टेड डेट सितंबर मानी जा रही है। यूपी बीएड जीईई 29 जुलाई को एग्जाम है। कर्नाटक टेट का सितंबर में एग्जाम है। सुपर टेट अगस्त में एग्जाम होगा। छत्तीसगढ़ टेट अगस्त में एग्जाम होगा। डी ट्रिपल एस बी टीजीटी एंड पीजीटी 2020 के अकॉर्डिंग माना जा रहा है कि
डी ट्रिपल एस बी के अकॉर्डिंग, जो इन दोनों में सिर्फ ओनली यहाँ इन दोनों में वैकेंसीज आई हैं कुछ वैकेंसीज, तो उसकी एग्जाम डेट मानी जा रही है कि एक्सपेक्टेड दिसंबर में आ जाए। मतलब नोटिफिकेशन तो आप लोगों को पहले ही मिल जाएगा सेप्टेम्बर अक्टूबर में, बट एग्जाम डेट यहाँ पर दिसंबर की दे रखी है, तो टेंटेटिव है कहीं ना कहीं, और देखते हैं क्या होता है आगे। फिर है यूजीसी नेट के बारे में बोला जा रहा है कि सेप्टेम्बर में एग्जाम होने का चांस है। CSIR यूजीसी नेट ये दोनों ही अलग हैं, ठीक है, तो इसके भी सेप्टेम्बर में मानी जा रही है। HSSC PGT के अकॉर्डिंग सेप्टेम्बर में मानी जा रही है। HPSSC TGT रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड डेट अगस्त है, यानी कि जहां पर एक्सपेक्टेड नहीं लिखा हुआ है तो इट मीन्स वो कन्फर्मेशन है कि सेप्टेम्बर में ही होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, और जहां पर एक्सपेक्टेड है तो इट मीन्स वो टेंटेटिव है। HPSSC रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं शास्त्रीय एंड लैंग्वेज टीचर के अकॉर्डिंग सेप्टेम्बर में एग्जाम होने के चांसेस हैं। सिक्किम टीचर एलिजिबिलिटी टेट यानी सिक्किम का जो टेट एग्जाम है वो अगस्त में होने के चांसेस हैं। राजस्थान PTET के अकॉर्डिंग देख लीजिए, यहाँ पर अगस्त में आ रहा है इसका टेंटेटिव एग्जाम डेट। और कोलकाता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन टीचर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो एग्जाम होगा सेप्टेम्बर 2020 के अकॉर्डिंग है। DU BEd का एंट्रेंस टेस्ट हमारा जुलाई में होगा, तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से आप लोगों के सामने श्योरिटी है। जहाँ पर एक्सपेक्टेड नहीं लिखा है तो इट मीन्स कहीं ना कहीं आप लोग अपनी रिविजन कंटिन्यू रखिए, बरकरार रखिए, अपकमिंग एग्जाम्स होंगे। सो आई होप सो आप लोगों को अपनी कुछ चीज़ें क्लियर हो गई हों। सो कीप लर्निंग, सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही रेगुलर नोटिफिकेशन और कंटेंट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं या किसी भी लिंक से जुड़कर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड कीप लर्निंग, एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए।